इस वीडियो को बनाने का मेरे को मूल उद्देश्य यही है कि हमारे गांव की बहुत ही परेशानी है, जो इस सुलभ शौचालय को लेकर काफ़ी दिक्कतें आ रही है। और इसमें जो विकलांग अधिक है, कोई दोनों पांव से कोई 90% तक कोई ज़्यादा भी विकलांग है, उनको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आते हैं रोज़, जैसे घर से डिब्बा लेकर निकलते हैं हम, और हमारे घर के पास में रोड है, वहाँ बैठते हैं। कोई आता है तो उसका साथ करके हम टेकरी चढ़ने का, तो हमको बहुत दिक्कत आती है। तो टेकरी चढ़ने के लिए उनका सहारा लेने के लिए किसी इंसान को लिए रास्ता थोड़ी देर देखते हैं, उसके बाद वो आता है, चलो अपन मैं भी आता हूँ करके साथ में उनके सहारे हाथ पकड़ के वो टेकरी चढ़ते हैं और जाते हैं। महिलाओं को तो बहुत ही दिक्कत आ रही है, क्योंकि वो तो एक शौचालय भी अगर हो जाए तो वो उसके शौचालय के पास में एक नहाने के भी थोड़ी से बना दे तो वो खुले में नहाने की भी दिक्कत है, और शौचालय जाने के लिए वह जैसे खतरा इसी भाइयों के लिए तो, और भाई बहनों के लिए तो और भी दिक्कत है, ताकि ऐसे खुले में शौच जाए तो कोई मतलब कुछ हमला हो सकता है, ऐसे बहुत डर रहती है भाइयों के ऊपर। और ग्राम पंचायत टिकड़ी जोगी में शौचालय की समस्या काफ़ी वर्षों से चली आ रही है, और इसकी कोई अभी समस्या हल नहीं हो पा रही है, जो कि हर ग्राम सभा की बैठक में आवेदन देने पर भी इसकी कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। यहाँ पे शौचालय तो हमारे भयंकर बाप दादाओं ने भी यही आवेदन दिया था, पर आज तक भी कम से कम 8-10 साल हो गए आवेदन देते देते हुए कहीं नहीं हुआ। और ग्राम सभा में कम से कम हम जान रहे तब से मतलब 1 साल तो हमको हो गए देते हुए, 1-2 साल हो गए आवेदन ग्राम सभा में, पर सरपंच मंत्री बोल देते हैं तुम्हारे जो BPL राशन कार्ड है उनके मतलब पास हो गए, यूँ कह रहे हैं, बाकी वो नहीं हो पाए आज तक। मैं चाहता हूँ कि ग्राम में सुलभ शौचालय का निर्माण किया जाए, इसलिए ग्राम पंचायत के सरपंच श्री लिमसन डामोर को 7354669076 पर कॉल करें। मैं कुर्बान डामोर, इंडिया अनहट के लिए।